नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट की इस खास पेशकश बड़ी खबर में आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। बिहार में चुनावी गहमागहमी तेज हो गई है और अब जो चुनावी गठबंधन है, महागठबंधन है, उनकी तस्वीर भी साफ होती नजर आ रही है। कल पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है और अब लगभग सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं और अधिकांश ने घोषित भी कर दिए हैं। महागठबंधन में जो दल हैं उनके बीच भी तालमेल बनता दिखाई दे रहा है। वहीं एनडीए में अब ये स्पष्ट हो गया है कि लोक जपा बिल्कुल बाहर है, वो नीतीश के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन वो भाजपा के साथ चुनाव लड़ रही है। इस अजीबोगरीब तालमेल पर भी हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। अब जो एनडीए में जदयू और भाजपा के बीच में जो गठबंधन हुआ है उसमें 122 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगा और वो हम के साथ अपनी सीट शेयर करेगा। वहीं 121 सीटों पे भाजपा चुनाव लड़ेगी, वो वीआईपी के साथ भी सीटों का तालमेल बनाएगी। मनीष, क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर? अब चुनावी गहमागहमी तेज हो गई है, तो क्या लग रहा है अब आपको, क्या दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पर? बिहार में चुनावी गहमागहमी बहुत तेज हो गई है। पहले चरण के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है और सभी दलों ने अपने अपने कैंडिडेट लगभग तय कर लिए हैं। पहले चरण के जो कैंडिडेट थे उन्हें में से भाजपा ने कल 27 सीटों का ऐलान किया है। तीन सीटों पर अभी ऐलान नहीं हो पाया है, कारण कुछ भी रहा हो। उसमें से एक बक्सर की हॉट सीट है, जहां से पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की जदयू से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, पर बक्सर की सीट भाजपा को मिली है। तब देखते हैं उस पर क्या होती है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, राजद ने भी उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जनता दल यूनाइटेड ने भी उम्मीदवारों की सूची जारी की है। कल एनडीए में अलायंस की भी घोषणा हुई, कौन किस सीटों कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा इसकी घोषणा हुई। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था और उसमें तय किया गया कि जेडीयू 122 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, जबकि भाजपा 121 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। जीतन राम मांझी कि हम पार्टी को जेडीयू अपने कोटे से 60 सीट जेडीयू ने अपने कोटे से 7 सीटें दी है, जबकि भाजपा अपने कोटे से विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी मुकेश सहनी की वीआईपी को कुछ सीटें देगी। कितनी सीटें देगी अभी तय नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि वीआईपी का सिंबल अभी तक क्लियर नहीं है, तो शायद वो भाजपा के चुनावी चिन्ह पर ही चुनाव लड़े। बात लोजपा की है तो लोजपा कल इसी गहमागहमी के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मात्र 44 सेकंड का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि जिस तरह से लोजपा ने प्रधानमंत्री का नाम का उपयोग किया या कर रही है, या कोई भी दल ऐसा करता है, तो हम इसके लिए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखेंगे, क्योंकि लोजपा एनडीए का हिस्सा बिहार में नहीं है तो हमारे चिन्हों का और हमारे प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करेगी। हालांकि लोजपा ने भी कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था उसी दौरान चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पे जबरदस्त हमला बोला और बोला कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम नीतीश कुमार के साथ निश्चय कार्यक्रम, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था और नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना थी, उस पर उसकी जांच कराएंगे और जो भी भ्रष्टाचारी हैं उसको हम जेल भेजेंगे, चिराग पासवान ने ये ट्वीट किया था। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण खबर और है कि बिहार भाजपा के उपाध्यक्ष और 2015 चुनाव में अहम रणनीतिकार रहे राजेंद्र सिंह लोजपा ज्वाइन कर लिए हैं और लोजपा के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। उनके अलावा और कई लोग भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने लोजपा का दामन थामा है, उसमें से एक रामेश्वर चौरसिया का भी नाम सामने आ रहा है, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं और वो भी 2015 और 14 के चुनाव में एक अहम रणनीतिकार के रूप में रहे थे।
इस गहमागहमी बिहार में चल रही है। अब देखना यह होगा कि गहमागहमी आने वाले इलेक्शन में किसको कितना फायदा पहुंचाता है और किसको कितना नुकसान करता है, कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी और कौन सी पार्टी सत्ता से बाहर होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल ठीक मनीष जी, ये तो वक्त ही बताएगा, मतदाता बताएंगे कि आने वाले चुनावों में वो सत्ता की जिम्मेदारी किसे सौंपते हैं। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है, आपने जैसे जिक्र किया बक्सर बिहार की एक हॉट सीट मानी जा रही थी, क्योंकि वहां पे चर्चा ही थी कि वहां से गुप्तेश्वर पांडे जो पूर्व डीजीपी हैं बिहार के, वो चुनाव लड़ेंगे। और वो क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में थे, तो वो सीट एक तरीके से देखा जाए तो काफी लोगों की निगाह में थी कि वहां से अगर गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ते हैं तो क्या स्थिति बनती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जदयू उन्होंने ज्वाइन की और वो सीट गई है भाजपा के कोटे में। रवि जी, पिछली बार भी कुछ ऐसा ही गुप्तेश्वर पांडे जी के साथ हुआ था, जब वो वीआरएस लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिली और वापस उन्होंने फिर फोर्स वापस ज्वाइन की। अब फिर कुछ ऐसा ही तो नहीं मामला बन रहा, क्या दिखाई दे रहा है आपको गुप्तेश्वर पांडे जी का भविष्य? देखिए अतुल जी, पहले चरण की जो 71 विधानसभा सीटें हैं उसके लिए करीब करीब सारे उम्मीदवारों ने गहमागहमी अपनी बढ़ा ली है, और ये बड़ा करीब का मौका रहा कि बहुत, जब कल नामांकन की तारीख है उससे 2 दिन पहले ही करीब करीब स्थिति सारे पार्टियों ने अपनी अपनी स्पष्ट की है। अब बीजेपी ने 30 सीटें बीजेपी के हिस्से में पहले चरण में आ रही हैं, जिसमें से 27 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अभी 3 सीटें बीजेपी ने रोक कर रखी हैं, जिनमें उल्लेखनीय है कि बक्सर विधानसभा सीट भी है। तो अब ये देखना थोड़ा दिलचस्प होगा कि क्या जेडीयू छोड़कर गुप्तेश्वर पांडे बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी उन्हें स्वीकारती है, और दूसरी बात क्या वे भी बीजेपी को स्वीकारते हैं या नहीं, क्योंकि अब कल तक नामांकन होना है। तो अगर गुप्तेश्वर पांडे को अपनी दावेदारी बक्सर से पेश करनी है तो उनके पास अब आज का और कल का बहुत कम वक्त बचा है, तो उन्होंने अपने पत्ते अभी खोले नहीं है। उनको बक्सर के नाम एक संदेश भी देना था, वो भी अभी रुका हुआ है। लेकिन राजनीति में हम जानते हैं कि पहले भी ऐसा हो चुका है, हमें पता है कि सुरेश प्रभु शिवसेना के नेता थे और वाजपेयी गवर्नमेंट में भी मंत्री रहे, लेकिन बाद में वे शिवसेना छोड़कर बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा था। तो राजनीति में कुछ भी संभव है। देखिए स्थितियां कल आज शाम तक मुझे लगता है स्पष्ट हो जाएंगी, जहां तक बक्सर का सवाल है। जी और पहले चरण में मैं आपको बता दूं कि जो 2015 विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए थे उनमें से जो 71 सीटें पहले चरण में यानी 28 अक्टूबर को जहां मतदान होना है, उनमें सबसे ज्यादा आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी, उस समय लालू यादव की पार्टी थी, इस समय तेजस्वी यादव, 25 सीटें हैं, और जेडीयू के पास उनमें से 21 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी का सवाल है तो 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूदा विधानसभा में इन 71 सीटों में से हैं, और कांग्रेस के पास 8 सीटें हैं। तो जाहिर है कि इस करीब अगर हम 25 और 21 को बराबर बराबर मान लें तो जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी करीब करीब बराबर सा स्कोर 2015 में किए हुए थे। लेकिन अगर हम गठबंधन की स्थिति देखें तो एनडीए गठबंधन की स्थिति इस चरण में मजबूत दिखाई देती है, क्योंकि बीजेपी की 14 सीटें और जेडीयू की 21 सीटें। तो इस हिसाब से गठबंधन के तौर पर एनडीए की साख इस चरण में दांव पर है, और अगर अकेली पार्टी की बात करें तो फिर तेजस्वी यादव की आरजेडी की साख इस बार जी दांव पर है पहले चरण। जी दीदी जी, पहले चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है, रवि जी ने बताया कि उसमें जो दलीय स्थिति है, जो वर्तमान में गठबंधन और महागठबंधनों की जो स्थिति है वो उन्होंने स्पष्ट की। आपको क्या लगता है कि जो पहले चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है वहां पर किस प्रकार के मुद्दे हावी रहने वाले हैं? देखिए, जो भी चुनाव हो रहे हैं, जो विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव हमने हमेशा देखा है कि लोकल मुद्दे रहे, जैसे बिजली है, सड़क है, पानी है, कानून व्यवस्था है, इन सब के मुद्दों पर आधारित होता किसी भी प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, उसके महत्वपूर्ण मुद्दे यही होते हैं। बाकी बिहार है, थोड़ा सा अलग है,
नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और मैं आपको बड़ा महत्वपूर्ण चीज बताऊँ, जिस तरह से जो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, उसमें गठबंधन के अंदर की जो किसान है वो भले ही ऊपर से बहुत शांत दिखाई दे रही हो, लेकिन ये उनकी शांत है नहीं, ये थोड़ा एक बार ये जो विवाद है वो भी सुनने का नाम नहीं देगा। तो जिस तरह से बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एलजेपी को अपनी जीत की तरह प्रस्तुत किया है, ये तो जाहिर है कि एलजेपी ने जिस तरह अपना जो रूप दिखाया है वो बीजेपी बीजेपी की तरह दिखाया है। और जिस तरह से बीजेपी ने अपनी सीटों के ऊपर की दावेदारी जताई है, और शायद नीति रूप से कहीं बैठक पे रहे हैं, सीटों की दावेदारी उन शायद बीजेपी से नहीं जीत पाए, यही कारण है आप किस चीज की बात कर रहे थे, भूपेश्वर पांडे जी की चीज की, बक्सर सदर गर्मी चीज की, उसको ये माना जा रहा था कि जेडीयू अपने खाते में ले लेगी, लेकिन अंत आते आते वो जेडीयू सीट को अपने खाते में नहीं ले पाई। तो माना जाता है कि इसमें भी एक बीजेपी का आपर है, और बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ शायद इतना शांत नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। और बीजेपी ने क्योंकि लोकतंत्र की पार्टियों की बीजेपी टीम की तरह उतारा है, तो कई सारे बीजेपी के नेताओं ने हाल ही में, मैं आपको बड़ा महत्वपूर्ण चीज बताऊँ, बीजेपी के कई नेताओं ने एलजेपी ज्वाइन की है, जो की चुनाव लड़ेंगे लोकतंत्र की पार्टी के टिकट की तरफ से। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि बीजेपी के जो जो नेताओं कैंडिडेट है वो लोग लोकतंत्र की पार्टी के चुनाव लड़ेंगे, और ऐसे सीटों के चुनाव लड़ेंगे जहाँ की जेडीयू कमजोर है। कल जो हम लोग ये डिस्कशन किया था इसके पहले वाले में कि हम लोग बीजेपी रणनीति है, जो एसपी वाला वोट है नीतीश का, उसको किस तरह से बीजेपी अपने पाले में ले आए, तो एलजेपी पूरी तरह से उसके लिए तैयार है, और बीजेपी ने उसको पूरा मौका दिया है। और चाहे कि चुनाव पास का जो गठबंधन हो, कोई नया गठबंधन हो, चौंकाने वाला गठबंधन भी हो, जी 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 रवि जी, द्विवेदी जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की और इशारा किया कि जब आप सीटों की तालमेल की अगर बात कर रहे हैं, लोजपा जो है अब विरोध में चुनाव लड़ रही है, और इन 71 सीटों में उस जदयू जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी उसमें उसके उम्मीदवार तो खड़े होंगे ही, तो कहीं उसका फर्क, हालांकि आकलन जो हम लोगों ने पहले लगाया था कि वो जेडीयू के खिलाफ जो वोट है उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको अपने में आत्मसात करने के लिए, लेकिन कहीं ये रणनीति उल्टी ना पड़ जाए। बिल्कुल अतुल जी, ये रणनीति उल्टी पड़ भी सकती है, क्योंकि लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो 71 सीटें पहले फेज के लिए 28 अक्टूबर को जिन पर वोट पड़ेंगे, वहां जो मौजूदा दलीय स्थिति है, वहां एलजेपी के पास मौजूदा विधानसभा में एक भी सीट नहीं है, और इसका मतलब यह होता है कि इन 71 सीटों में लोक जनशक्ति पार्टी का बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि जहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, वहां वहां अगर एलजेपी अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी तो जाहिर है कि वो जेडीयू का खेल बिगाड़ेगी, और जहां जेडीयू के उम्मीदवार थोड़े कमजोर होंगे, जैसा कि सच्चिदानंद द्विवेदी जी कह रहे थे, वहां पर जेडीयू का खेल एलजेपी ज्यादा बिगाड़ने की स्थिति में होगी, और ये देखने वाली बात होगी कि तीन चरणों के मतदान संपन्न होने के बाद 10 नवंबर को जो नतीजे आएंगे, उसके बाद जो दलगत गठबंधन है बिहार की से मौजूदा सियासत में, वे क्या स्वरूप लेते हैं। हमने देखा कि चुनाव से पहले ही महागठबंधन की स्थिति में बहुत ज्यादा नाटकीय परिवर्तन आए, जो नेता 2 महीने 1.5 महीने पहले तक एक मंच पर बैठे हुए नजर आ रहे थे, एक कोठरी में बैठे हुए नजर आ रहे थे, वे अचानक बहुत ज्यादा तिनके की तरह बिखरे, और जब महागठबंधन की अंतिम शेप लेने की घोषणा की जा रही थी, उस दिन भी हमने देखा कि विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी मंच से तमक करके और एकदम से धमक करके उठे कि भाई हमारी पीठ में, ये कहते हुए उठे कि हमारी पीठ में तेजस्वी यादव ने छुरा घोंपा है, हम इनके साथ नहीं लड़ेंगे। तो अब चुनाव बिल्कुल सर पर है, 28 तारीख को वोटिंग होनी है, ऐसे में एलजेपी का कल का जो बयान है, उन्होंने कहा कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो 7 निश्चय जो योजना चलाई थी बहुत
दमदारी के साथ, दावे के साथ नीतीश कुमार ने, वो उसमें हुए भ्रष्टाचार के सारे पन्ने खोलेंगे, जो दोषी हैं उन्हें जेल भेजेंगे और जो जिनका पैसा रुका हुआ है उनको पैसे तत्काल रिलीज करेंगे। तो ऐन चुनाव के बहुत बिल्कुल नुक्कड़ पर, उसके द्वार पर, देहरी पर पहुंचकर अगर एनडीए की कोई सहयोगी इस तरह के बयान जारी कर रही है तो जाहिर है कि तलखी बहुत ज्यादा है। और जो मुझे लगता है कि चुनाव बाद की जो स्थितियां होंगी उनमें भी नजर आएगी। हो सकता है कि अगर तरुण गठबंधन एनडीए को अगर कुछ सीट्स की जरूरत पड़ती है तो मुझे लगता है कि एलजेपी की सीट्स जेडीयू चाहेगी कि सबसे बाद में बहुत मजबूरी हो तभी उनके साथ चुनाव बाद भी गठबंधन किया जाए। लेकिन राजनीति में दुश्मनी दोस्ती सब बहुत मौसमी होती है। देखिए 10 तारीख का इंतजार करना ही पड़ेगा सबको, उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा रवि जी आपने कि 10 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा और 10 तारीख को बैलेट बॉक्स में से जो अपने ईवीएम मशीन्स में से कुछ न कुछ ऐसे जिन निकलेंगे जो बहुतों को तकलीफ देने वाले हो सकते हैं, इसलिए बिहार की जनता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सोच समझ कर वोट दें, स्थायी सरकार के लिए वोट दें, मजबूत और सशक्त नेतृत्व के लिए वोट दें, ये तय करें, वो कोई भी हो सकता है। मनीष जी, आपके जो युवा सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट हैं और जिस प्रकार से पुष्पम प्रिया चौधरी, हालांकि मैदान में कितना उतरेंगे नहीं उतरेंगी, लेकिन उन्होंने अपनी एक प्रेजेंस बनाई हुई है और जब भी युवा नेताओं की बात हो रही है तो तेजस्वी यादव, चिराग पासवान के साथ उनका नाम भी लिया जा रहा है, तो कुल मिलाकर युवाओं का जो क्या दृष्टिकोण बन रहा है अपने युवा नेताओं के प्रति और किस तरीके की सोच दिखाई दे रही है सोशल मीडिया पर? जी, पुष्पम प्रिया चौधरी की चर्चा आपने की तो उन्होंने अपनी अपने कैंडिडेट लगभग सारे 71 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, हर क्षेत्र से उन्होंने कैंडिडेट घोषित किए हैं। और एक बड़ी बात की उन्होंने जो कैंडिडेट घोषित करने में जो कॉलम बनाया है उसमें उन्होंने जाति में उनका प्रोफेशन लिखा है और धर्म में बिहारी लिखा है। एक नया तरह का प्रयोग है बिहार की राजनीति में, जहाँ की जातिगत और धार्मिक राजनीति होती है वैसे में जाति में उनका प्रोफेशन, अगर कोई सीए है तो जाति में सीए लिखा गया है और उनके धर्म में बिहारी धर्म लिखा गया है, तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। जहाँ तक बात तो उनके प्रति युवाओं का है तो आप ये कह सकते हैं कि एक सर्टेन जो वैसे युवा जो बिहार बहुत ज़्यादा जिन्होंने 10-15 साल से बहुत ज़्यादा बिहार में समय नहीं दिया है, बाहर रहे हैं, पढ़ाई की है, वैसे युवाओं का अट्रैक्शन उनके प्रति है, लेकिन इस बार के चुनाव में बहुत ज़्यादा उनकी पार्टी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाएंगी जो उम्मीद दिख रहा है। हो सकता है आगे बिहार की राजनीति में एक बढ़िया चेहरा हो, एक बेहतर करने की सोच के साथ वो आई है तो अच्छा कर सकती है, लेकिन इस बार के चुनाव में उनके लिए मुश्किल लग रहा है। जी रवि जी, पुष्पम प्रिया चौधरी जो है उनका जो राजनीतिक भविष्य, हो सकता है कि वो एक उपस्थिति दर्ज कराने की बात कर रही है और एक नई प्रकार की राजनीति जो मनीष ने बताया भी कि जाति में प्रोफेशन डाला है उन्होंने और बिहारी धर्म बताया है उन्होंने। रवि जी, जिस प्रकार से मनीष जी ने बताया कि पुष्पम प्रिया चौधरी 2 सीटों से चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने राजनीति में एक नई तरीके की बात उन्होंने रखी है, कही है, जिसमें जाति में उन्होंने अपना जो प्रोफेशन है उसको जोड़ा है और धर्म में बिहारी, सोच शायद थोड़ी और बड़ी रखती, भारतीयता करती, हिंदुस्तानी करती तो शायद एक नई तरीके का राष्ट्रीय समीकरण बनता, लेकिन उनका भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है कि वो जब इस चुनाव को गंभीरता से लड़ें। गंभीरता से लड़ने का मतलब यह है कि सभी सीटों पे चुनाव लड़ें, चाहे थोड़े बहुत ही वोट मिले या नहीं मिले, लेकिन एक प्रेजेंस बने। आप अगर इस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले भविष्य में भी कोई पुष्पम प्रिया चौधरी बिहार की राजनीति में दखल दे सकेंगी? जी, मुझे बिल्कुल बिल्कुल ये लगता है, क्योंकि जिस तरह पूरी रणनीति से बिहार विधानसभा चुनाव से बहुत पहले उन्होंने जो यहाँ का जो राजनीतिक परिदृश्य है, यहाँ का जो सामाजिक परिदृश्य है, ये बिहार का जो आर्थिक परिदृश्य है, उसको बहुत हद तक कुरेदने की, टटोलने की जमीन पर रहते हुए उन्होंने कोशिश की है। और भले ही उनकी पार्टी प्लूरल्स, जिसका जिसका हिंदी बहुवचन है, वो थोड़ा कठिन नाम है, लोगों के जुबान पर कम चढ़ने वाला लगता है,
लेकिन हो सकता है कि वो बाद में नाम भी पॉलिटिकल पार्टी का, ये संगठन का नाम उनका हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी का कोई नया नाम वो लेकर आए, आसान सा नाम लेकर आए। लेकिन इतना जरूर तय है कि बिहार की राजनीति में विधानसभा में इस बार पहुंचने के मामले में हो सकता है कि वो बहुत तो कामयाब नहीं हो पुष्पम प्रिया चौधरी, लेकिन उन्होंने एक बज एक एक अपना उपस्थिति तो दर्ज कराई ही है। और ये अच्छी सोच है जाति के नाम पर प्रोफेशन दर्ज करना, क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार की सियासत आजादी के बाद से अभी तक ज्यादातर जाति पाति धर्म संप्रदाय के आधार पर हुआ करती है। अगर युवा सोच इस तरह की है कि वो विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है, राजनीति करती है, तो मुझे लगता है कि अगले चुनाव में शायद वो एक धमक अपने दिखा सकें। और इस बार वे खुद 2 सीटों से मुझे लग रहा है वो जीतने के लिए नहीं लड़ रही हैं, वे इसलिए ही लड़ रही हैं कि ठीक है, बिहार के लोगों को कम से कम एक उनकी उपस्थिति का एहसास हो, और 2 सीटों पर लड़ने की वजह से कम से कम एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो तटस्थ लोग हैं या पॉलिटिकल लोग हैं ये कहते हुए तो कर ही रहे हैं कि भाई उनको डर लग रहा है इसलिए 2 सीटों से लड़ रही हैं। देखिए, सियासत में ये बहुत जरूरी होता है कि आप चाहे तो नकारात्मकता की वजह से, चाहे सकारात्मकता की वजह से आपका चर्चा होता रहे, तो कम से कम इस चर्चा में पुष्पम प्रिया चौधरी जाहिर है कि मौजूद हैं। भले ही पॉलिटिकल पार्टियां जो जेडीयू है, आरजेडी है या बीजेपी है या कांग्रेस है, उन्हें अभी गंभीरता से नहीं ले रही हो, लेकिन बिहार की राजनीति के लिए निश्चित तौर पर एक ये सकारात्मक युवा संकेत है जिसको जी फलना फूलना चाहिए, और ऐसे ही विचारों के साथ आना चाहिए। ये बात आपने अतुल जी बिल्कुल सही कही कि वो धर्म के नाम पर अगर बिहारी ना लिख करके भारतीय लिखती, हिंदुस्तानी लिखती, कुछ ऐसा लिखती है तो शायद ज्यादा बड़ी सोच का संदेश देती। लेकिन ठीक है, पहले अपना मोहल्ला, पहले अपना जिला, पहले जी अपना प्रदेश सुधार लीजिए, उसके बाद देश के बारे में बात करिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये मुझे एक व्यक्तिगत तौर पर ये सोच उनकी अच्छी लगी। जी जी द्विवेदी जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहिए। पुष्पम प्रिया चौधरी जिस प्रकार से बिहार की राजनीति में उन्होंने धमाका किया था, पोस्टर्स अपने उनके आए थे, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन आए थे, और उनको सीएम मटेरियल और सीएम का विकल्प बनाया बताया गया था, और उन्हें कहा गया था कि ये सीएम हो सकती हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनकी शिक्षा पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया गया था, और एक नई युवा चेतना की बात हम जिसे कह सकते हैं वो था। लेकिन बिहार में पूरे दम से चुनाव न लड़के क्या उन्होंने वो मौका गवा नहीं दिया, वो अपॉर्चुनिटी गवा नहीं दी? वो कम से कम एक बेहतर विपक्ष की भूमिका में हो सकती थी, जो लोग तेजस्वी में विकल्प अपना नहीं ढूंढते हैं, जिनको और कांग्रेस में अपना विकल्प नहीं दिखाई देता है, वो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी को समर्थन दे सकती थी अगर वो और गंभीरता से चुनाव लड़ती, अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती। क्या ये मौका उन्होंने गवा नहीं दिया? पहली बात तो ये, जब भी चुनाव आता है तो क्या हमें देखना बड़ा जरूरी है क्या पुष्पम प्रिया चौधरी जी वो चुनावी मेढक की तरह जो चुनाव में आए उसके बाद गायब हो जाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, या लंबा खेल खेलने आए, ये देखना बड़ा जरूरी है। ये दोनों चीजें देखने बड़ी जरूरी है, क्या वो सिर्फ चुनाव चुनाव के लिए एक बस पेश करने आए हैं, या चुनाव में पार्टी सस्टेन करती है, भले वो हारे या जीते या जो भी वो उनका उनको जितने वोट भी मिले, ये दोनों चीज देखने बड़ी महत्वपूर्ण है। आप जो बात कर रहे हैं मजबूत विपक्ष की, देखिए वो शुरुआत है, मैं हमेशा मानता हूँ युवा खुद को, युवा नेतृत्व को हमेशा आगे आना चाहिए, वो चाहे बिहार के तेजस्वी का हो या चिराग पासवान का हो या फिर यूपी में अखिलेश का हो, जो भी युवा नेता आगे आ रहे हैं उनको आगे आना चाहिए, दौर में पुष्पम प्रिया चौधरी भी है उनको भी आगे आना चाहिए, बड़ी दिन लोग राजनीति में आए अच्छी बात है। लेकिन हाँ वो अभी अभी हम उनको इतना मजबूत नहीं मान सकते जैसा रवि जी ने कहा है, तो शुरुआत है, इस शुरुआती दौर को उनको देखा जाए, पहले पहला चुनाव उनका कितना मजबूती है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है क्या ये चुनाव के परिणाम उनको हतोत्साहित करते हैं या उत्साहित करते हैं, वो उसको किस तरह से देती है, पॉजिटिव देती है, नेगेटिव देती है, हर भी बात की बात है। चुनाव में उसकी उपस्थिति दर्ज कराना, चुनाव में बात लगातार जनता के बीच में बने रहना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको देखना है ऊपर काफी मेढक चालू होती है या लंबे का घोड़ा चालू होती है। जी 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 बिल्कुल,
पुष्पम प्रिया चौधरी पर जो लोगों का भरोसा बनेगा या बिगड़ेगा उसके लिए उन्हीं को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बिहार ही नहीं देश की जनता भी अक्सर नारों से, वादों से, बातों से ठगी जाती रही है। हाँ, अब पुराने जैसा दौर नहीं रहा है, लोग ज्यादा जागरूक हुए हैं, चैतन्य हैं, तमाम तरीके के विकल्प उसके पास मौजूद हैं सूचना ग्रहण करने के और उनको एनालाइज करने के। इसलिए अब उसको बेवकूफ समझना नेताओं की बेवकूफी होगी, इसलिए बहुत ध्यान से काम करने की आवश्यकता है। पहले दिन का, पहले चरण का चुनाव के लिए नामांकन की तिथि 8 तारीख है और उसके बाद बहुत तस्वीर क्लियर होगी। हम आपके लिए और दिलचस्प विश्लेषण लेकर आएंगे कि किस सीट से कौन कौन, इस जो 71 जो सीटें हैं इनमें कौन कौन सी सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण नेता चुनाव लड़ रहे हैं, हम इन पर भी आपसे चर्चा करेंगे, आपके बीच में वो चर्चा लेकर आएंगे। हमारी आज की चर्चा से जुड़े रहने के लिए रवि जी आपका धन्यवाद, धन्यवाद। एस एन द्विवेदी जी आपका भी धन्यवाद, मनीष वत्स जी आपका भी धन्यवाद। आप लोग भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, आप सबका भी धन्यवाद। और बिहार चुनाव को लेकर अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या कोई बात है कहने के लिए या कोई मुद्दा है बताने के लिए, तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं biharupdate@gmail.com पर। हमारे मोबाइल ऐप जो कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है बिहार अपडेट का, वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमें अपनी बात कह सकते हैं। पहले चरण के चुनाव का जो नेताओं का नामांकन है वो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद दूसरे और तीसरे चरण के नेताओं का भी अभी जो घोषणा होनी है, जो चुनाव में उम्मीदवार रहेंगे। तो आप हमारे जो माई कैंडिडेट माई चॉइस जो हमारा लिंक है उसके ऊपर क्लिक करें biharupdate.com के पोर्टल पर जाकर और अपनी पसंद के उम्मीदवार को मोहर लगाएं। हो सकता है कि आपकी पसंद जो राजनीतिक दल है उनको पसंद आए और वो आपकी पसंद के उम्मीदवार को आपके क्षेत्र का उम्मीदवार बनाए। ध्यान रहे, एक सही उम्मीदवार ही आपके क्षेत्र का विकास कर सकता है, आपके राज्य का विकास कर सकता है। तो ये मौका मत चूकिए और माई कैंडिडेट माई चॉइस पे जाकर अपनी पसंद के उम्मीदवार की उपस्थिति दर्ज कराइए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।